अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, ये वीडियो है रबी अव्वल से कुछ दिन पहले की, और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रबी अव्वल के दिन की कुछ वीडियो क्लिप्स। और थोड़ा लेट हो गई इसके लिए सॉरी कि वीडियो मैंने एडिट नहीं की थी, घर में मेहमान आए हुए थे, कुछ मसरूफियात थी, इसकी वजह से एडिटिंग करने का मौका नहीं मिला था। और कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने जो वीडियो बनाई थी मैं उसकी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बाहर निकली नहीं रबी अव्वल के दिन, सुबह से शाम तक, यानी 11 रबी अव्वल को भी बाहर नहीं गई थी। तो तकरीबन वीडियो जो है मेरे हस्बैंड ने शूट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, देखिए। ये माशाल्लाह पहाड़ के पीछे बख्शिया ईदगाह से ये जुलूस निकल रहा है, या मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बख्शिया इदरीसिया मस्जिद से पहाड़ के पीछे वहाँ से जुलूस निकल रहा है, और आप देखें कितना बड़ा इंतज़ाम इन्होंने किया है माशाल्लाह। आपका इंतजार कर रहा है बेटा। ये मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा मस्जिद कमेटी का 8 मेंबर का सही है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आप तमाम हजार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने मुकाम पे आ जाएं, ताकि ये रेडिंग को रवा दवा किया जाएगा। आप तमाम हजार से शिरकत की दरख्वास्त है। ये रैली इनेकाद किया गया है बख्शिया इदरीसिया मस्जिद। अरे वो लेके आओ ना, निकाल बोल दिए। ये आप देख रहे हैं टोपियाँ बट रही हैं। ये इमाम मौजूद और एक मेंबर मेरा रह गया। चलो देते हैं, बैठ जाए गाड़ी में। और ये कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मेहमान आए हुए थे घर पे, तो इस वजह से वीडियो क्लिप ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये मैंने कुछ लाइटिंग की वीडियोस बनाई थी और कुछ खाने की वीडियो बनाई थी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने तिक्का बिरयानी बनाई थी, इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना आप लोग। और नियाज जो दिलाई थी मैंने, वो मिठाई मंगवाई थी बशानी से हमेशा की तरह, और उसी की नियाज दिलाई थी और वही तकसीम की थी, बस
दैट्स ऑल। और बच्चे और हस्बैंड जो है जुलूस में चले गए थे, तो मैं और मेरी बेटी हम लोग ही खाना खाने बैठे थे, क्योंकि उन लोगों के आने का इंतज़ार करते करते फिर हम ही बैठ गए थे खाना खाने। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो क्लिप्स, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये टिक्का मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, आप लोग देख सकते हैं कितना हसीन और ख़ूबसूरत बना है बहुत जायकेदार था, और क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे देवर की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा यानी बस खुश नहीं था दिल, बस अफसुदा था। और बस यही थी हमारी तैयारी। और जिसको वीडियो देखनी है पिछली रबी लवल की, तो आप लोग मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, रबी लवल की मैंने वीडियो डाली थी पिछले साल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।